नमस्कार, न्यूज प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ, मैं अविरल। रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। हिंदुस्तान की सरजमी पर सूफी संतों का एक सिलसिला फैला हुआ है, जिनके दर से हमेशा आपसी भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया गया है। इन्हीं सूफी संतों में महबूब ए इलाही के नाम से मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया की एक अलग ही शान है। नई दिल्ली की बस्ती निजामुद्दीन स्थित उनकी दरगाह में इन दिनों उनका 718वां सालाना उर्स पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे, जिन्होंने वैराग्य और सहनशीलता की एक बड़ी मिसाल पेश की। ये सूफी संत ने 3 अप्रैल 1325 को 92 साल की उम्र में प्राण त्यागे थे और उसी साल उनके मकबरे का निर्माण कार्य आरंभ किया गया था, लेकिन 1562 तक उनका नवीनीकरण होता रहा। दक्षिण दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल का एक पवित्र दरगाह है, जिसमें सभी धर्म के लोगों की आस्था है। इस साल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का 718वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। निजामुद्दीन चिश्ती का निजामी दर बदर जाने की तुझको क्या जरूरत है, बस एक दरवाजा काफी है। निजामुद्दीन आज भी दुनिया के कोने कोने से बगैर किसी तफरीक व मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ आते हैं और खराज अकीदत पेश करते हैं। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ससुराल पीतल नगरी मुरादाबाद में लंबे अंतराल के बाद आने के कारण उन्होंने सभी को माफी मांगी। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रतिज्ञा रैली में पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सभी लोगों का मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत है। ससुराल वालों में आपसे माफी मांगना चाहती हूं कि बहुत दिन बाद आई हूं। आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया है, उनको खड़ा किया है। देश के बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता मुरादाबाद आए, यहीं से कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। जब तक वोट विकास के आधार पर नहीं डलेगा, जब तक आप ये सवाल नहीं करेंगे कि मेरे गांव में, मेरे लिए, मेरे शहर में आपने 5 सालों में क्या किया, जब तक ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब तक इसी तरह की राजनीति में आप फंसे रहेंगे, माफियाओं के दलदल में फंसे रहेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं जब यूपीआई, जमीन की माफिया, नदी की माफिया, बालू की माफिया, पढ़ाई की माफिया, इम्तिहानों की माफिया, जहां देखो माफिया ही माफिया। मुझे तो आश्चर्य है कि सांस पे कोई माफिया नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं और आप पे हफ्ता लिया जाए। ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूं, बहुत दिनों बाद आई हूं। माफ हूं कि नहीं? आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता अपने परिवार को लेकर मुरादाबाद आए, यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। यहाँ के हुनर, यहाँ के लोगों की मदद से, उनकी अपनी मेहनत से उन्होंने अपना जीवन बनाया, अपने बच्चों का भविष्य बनाया। आज मुझे यहाँ आकर बहुत गर्व हो रहा है और मैं आप सबको भी यहाँ इस सभा में आप सब की भी का भी स्वागत करना चाहती हूँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24x7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।